हेलो गाइस, तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं होममेड ड्रिल मशीन। जी गाइस, तो वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे और मस्त और मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर है हमारे पास टेबल फैन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमने पहले बनाया था इसका वीडियो, और इसका फुल वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा आपको। और इसका मैं सबसे पहले जो आगे वाला प्रोपेलर है उसको निकाल देता हूँ कुछ इस तरीके से। और गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकल चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक पेन है, यहाँ पर आप लोग देखो। और गाइस ड्रिल मशीन बनाने के लिए हम इस किट का यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और ये कुछ इस तरीके से जो कि नॉर्मली साइकिल का तिल्ली है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है राउंड शेप में, यहाँ पर आप लोग देखो। और आगे से हमने कुछ इस तरीके से इसको शार्प कर लिया है, यहाँ पर आप लोग देखो कुछ इस तरीके से। और फटाफट से मैं इस पेन को काट लेता हूँ, आगे यहाँ से आधा काट लेता हूँ फटाफट। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने काट लिया, इतना छोटा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और गाइस अभी क्या करते हैं, गाइस ये जो आप लोग देख सकते हो इसको मैं कुछ इस तरीके से इसमें लगा लेता हूँ, और प्लायर की मदद से मैं ठोक लेता हूँ इसको। और ये अंदर बिल्कुल अच्छे से फिट हो चुका है। और गाइस इसको और मजबूती देने के लिए मैं यहाँ से फेविक्विक का भी यूज करूँगा, तो यहाँ से मैं फेविक्विक लगा लेता हूँ। और ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। और गाइस यहाँ पर कुछ आधा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और गाइस अभी क्या करना है, गाइस यहाँ पर जो हमारे पास मोटर है 12 वोल्ट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जिसका जो आगे वाली जो पार्ट देख सकते हो, इसको हमको गर्म करना है और इसके अंदर कुछ इस तरीके से फंसा देना है, और उसके बाद हमारा ड्रिल मशीन बनकर रेडी। जी हाँ गाइस, तो फटाफट से मैं इस काम को भी कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने होल कर लिया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और गाइस यहाँ पर जो हमारे पास मोटर का आगे वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से इसमें लगाते हैं, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ये फिट हो चुका है। गाइस यहाँ पर मैं फेविक्विक की मदद से यहाँ पर मैं अच्छे से चिपका देता हूँ सबसे पहले। और गाइस यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो चुका है और ये चिपक चुका है। और गाइस अभी जो हमारा ड्रिल मशीन वो बनकर रेडी है, और गाइस ये जो चलने के लिए रेडी है। और गाइस अभी जो इसे होल करते हैं और देखते हैं कि हमारा ड्रिल मशीन काम करता है या फिर नहीं, तो फटाफट से करता हूँ मैं। तो गाइस अभी जो इस ड्रिल मशीन को चलाते हैं, तो गाइस यहाँ पर आ चुका है हमारा मॉन्स्टर बैटरी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और गाइस इसको अभी चलाता हूँ मैं इस बैटरी की मदद से। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर लगा दे मैंने प्लग, और गाइस अभी इसको मैं चालू करता हूँ और देखते हैं। एंड 3, 2 and 1। और भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना तेज़ आवाज़ कर रहा है। गाइस ये ड्रिल मशीन नहीं, ऑटोमेटिक हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देखो। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो स्पीड बहुत ज़्यादा है। गाइस आपको वीडियो में स्लो दिख सकता है, लेकिन गाइस इसका जो स्पीड भाई बहुत तेज है, यहाँ पर आप लोग देख। और गाइस यहाँ पर आप लोग देखते हो। और गाइस अभी जो मैं इसको होल करने के लिए कोई चीज़ लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा, और गाइस अभी इसको चलाता हूँ मैं और देखते हैं। चलो तो गाइस मैं चलाता हूँ। और गाइस और भाई देख सकते हो गाइस एक सेकेंड में नहीं लग रहा है यार इसको होल करने में। गाइस सबसे मेन चीज़ इसका आगे वाला जो हिस्सा आप लोग देखते हो बिल्कुल शार्प है, और गाइस किसी भी चीज़ के अंदर बहुत तेज़ी से ये होल करता है। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसने जो लकड़ी में भी होल कर दिया, यहाँ पर आप लोग देखो ये जो कितना मोटा लकड़ी है, यहाँ पर आप लोग देखो और इसमें भी होल हो चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और गाइस थोड़ी टाइम लगी है। गाइस यहाँ पर जो बैटरी हमारा लो चल रहा है अभी, यहाँ पर आप लोग देखो। और गाइस अगर हम इसको डायरेक्ट एडाप्टर की मदद से चलाते हैं, तो गाइस इसका जो पावर वो बहुत तेज है, तो गाइस आपको वो भी चला कर दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा ड्रिल मशीन, और गाइस अभी जो इसको डायरेक्ट एडाप्टर की मदद से चलाते हैं और देखते हैं इसका पावर, रियल पावर अभी देखने को मिलेगा, तो फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास एडाप्टर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और इसको मैं लगाता हूँ इस बोर्ड में। और गाइस अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ, और गाइस इसकी जो आवाज़ है वो आप लोग देख सकते हो। और भाई देखो नीचे देखो यार, भाई बिने पहिए के जाया जा रहा है ये अपने आप ही। तो गाइस अभी जो इससे होल करते हैं और देखते हैं, अभी इसका पावर और खतरनाक हो चुका है बहुत ज़्यादा ये, और मेरे को डर लग रहा है थोड़ा। और भाई देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड को तो एक सेकंड में नहीं लग रहा है गाइस, बहुत तेज होल कर देता है इसमें। इस पीवीसी पाइप के टुकड़े को मैं होल करता हूँ यहाँ पर देखो, और भाई ये हो चुका। ओ
अरे भाई साहब देख सकते हो गाइस यहाँ पे मात्र 5 से 6 सेकंड लगा इसमें और ये बिल्कुल अच्छे से होल हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पर कैन भी है, तो गाइस इसको भी मैं होल करता हूँ। पिछली बार तो बैटरी से किया था, अब इससे करते हैं। देख सकते हो रिजल्ट इसका। और यहाँ पर हमने एक लकड़ी भी लिया था, बैटरी से होल किया था, अब इससे लकड़ी को भी करते हैं। अरे भाई साहब गाइस इसमें से धुआं निकला यार, देखो गाइस यहाँ पर इतनी ज़्यादा हीटिंग पैदा हो गई है भाई साहब। गाइस देखो यहाँ से धुआं निकल रहा है और यहाँ पे जल भी रहा है, काला हो चुका है देखो। और गाइस इसमें से स्मेल भी आ रही है जलने की गाइस, और ये जल भी रहा है, इसमें से धुआं निकल रहा है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई साहब। भाई साहब इसमें से धुआं इतना खतरनाक निकल रहा था, स्मोक इसमें से। और जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो होल हो चुका है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारा ड्रिल मशीन उसने क्या किया, होल किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर छेद कर दिया इसमें। और गाइस यहाँ पर जो पीवीसी पाइप का टुकड़ा है उसमें भी होल हो चुका है, और यहाँ पर जो कैन है उसमें भी होल हो चुका है, और इसका तो दी एंड हो चुका है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और गाइस कुछ इस तरीके से जो हमारा ड्रिल मशीन वो काम कर रहा है। और गाइस यहाँ पर जो एडाप्टर की मदद से चलाने के बाद इसका जो पावर वो बहुत बढ़ जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपने भी देख लिया कि जो हमारा ड्रिल मशीन वो कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आपने भी देख लिया और हमने भी देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो मजा आएगा, और गाइस कुछ नया देखने को मिला है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे, जय भारत।